हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सदिशों से संबंधित न्यूमेरिकल कर रहे हैं और उसमें आगे बढ़ते हुए हम दूसरे प्रकार का न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, जिसमें हमें सीखना है डॉट गुणनफल कैसे करते हैं और किन्हीं दो सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। तो आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप तथा बी वेक्टर बराबर थ्री आई कैप प्लस दो जे कैप माइनस के कैप, तो ज्ञात कीजिए। पहला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि हमें यहाँ पे इसे बोलते हैं डॉट गुणनफल, और यदि बीच में गुणा का चिन्ह लगा हो तो उसे बोलते हैं क्रॉस गुणनफल। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल हम डॉट गुणनफल देख लेते हैं। साथ में हमें ज्ञात करना है कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा, तो दोनों चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, तो आंसर है हमें दो सदिश दिए गए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। चलिए इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों सदिशों को लिख लिया। अब डॉट गुणनफल कैसे करना है, तो बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पे हमने लिखा, तो इनके मान के बीच में भी डॉट लगा देंगे। तो पहले कोष्टक में पहला ए वेक्टर का मान लिख लेते हैं, जो कि है आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप, पहले कोष्टक में ए वेक्टर का मान, और दूसरे कोष्टक में तीन आई कैप प्लस दो जे कैप माइनस के कैप। तो इस तरीके से हमने दोनों ब्रैकेट्स को लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डॉट गुणनफल, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, और आपको यहाँ पे देखना ही है क्योंकि यही इसका मेन टर्म है कि कैसे करते हैं। आई के गुणांक का गुणा आई के गुणांक में होना है, जे के गुणांक का गुणा जे के गुणांक में, और के गुणांक का गुणा के, बस इतना याद है तो बस सब बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आई का गुणांक कितना है, तीन। यहाँ पे आई का गुणांक कुछ भी नहीं है तो क्या माना जाएगा, एक। तो तीन एकम तीन। अब यहाँ पे जे का गुणांक देखते हैं कितना है, दो। यहाँ पर जे का गुणांक है माइनस माइनस वन, कुछ भी नहीं है तो माइनस वन माना जाएगा क्योंकि चिन्ह है माइनस का। तो सबसे पहले प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और दो एकम दो। जे का गुणांक कितना है, दो, दो एकम, यहाँ पे एक है, दो एकम दो। प्लस यहाँ पे के का गुणांक कितना है, सबसे पहले तो चिन्हों का कर लीजिए क्योंकि जहाँ माइनस हो ध्यान रखना है चिन्हों का पहले करना है। प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, और दो एक। यहाँ पे के का गुणांक कुछ भी नहीं है तो क्या माना जाएगा, एक, और यहाँ पे के का गुणांक कितना है, दो, तो दो एकम दो हो जाएगा। तो बस यहाँ पे तीन ज्यों का त्यों माइनस माइनस के दोनों ऐड कर लेते हैं, तो माइनस का दो हो जाएगा माइनस का चार। अब माइनस का चार है और प्लस का थ्री है, कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का माना जाता है, तो किसका ज़्यादा है, माइनस का एक ज़्यादा है, अंतर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से ए डॉट बी हम निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है ए तथा बी के बीच का कोण, तो अब हम सीख लेते हैं कि कोण कैसे निकालते हैं। तो कोण निकालने के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि है कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए का परिमाण और बी का परिमाण। तो ए, सबसे पहले हमें जब कोण निकालना है तो हमें किसकी ज़रूरत है, हमें ए और बी के डॉट की ज़रूरत है, यानी कि जो कि हम निकाल चुके हैं, तो ये तो हमें मिल जाएगा। क्या हमें ए का परिमाण मालूम है, आंसर है नहीं, और बी का है क्या, दोनों का नहीं है। तो सबसे पहले हम ए और बी का परिमाण निकाल लेते हैं, और ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं। कैसे निकालते थे, हमने यहाँ पे लिखा ए का परिमाण, और वो निकालने के लिए हम अंडर रूट लगाते थे, आपको ध्यान होगा। फिर क्या करते थे बताइए, आई के गुणांक का वर्ग, फिर जे के गुणांक का वर्ग, और फिर के गुणांक का वर्ग। तो आई के गुणांक का वर्ग बताइए, ए का परिमाण निकाल रहे हैं इसलिए ए में ही देखना है, बी में नहीं देखना है। तो i का गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या माना जाएगा, एक, तो यहाँ पे हो जाएगा एक का वर्ग। फिर j का गुणांक कितना है, माइनस वन, तो माइनस वन का वर्ग, और k का गुणांक कितना है, दो, तो हो जाएगा दो का वर्ग। इस तरीके से अंडर रूट लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। तो एक का वर्ग क्या होता है, एक ही होता है, माइनस वन का वर्ग भी होगा प्लस वन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वर्ग है क्योंकि। दो का वर्ग कितना हो जाएगा, चार, तो चार और दो कितने हो जाएंगे, अंडर रूट छः। ये है ए का परिमाण। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे बी का परिमाण, तो यहाँ पे लिखेंगे बी का परिमाण, वही अंडर रूट फिर से लगाना है। अब बी में देखना है, वेक्टर बी में देखिए आई के गुणांक का वर्ग, आई का गुणांक कितना है, तीन, तो यहाँ पे हो जाएगा तीन का वर्ग। प्लस जे के गुणांक का वर्ग, जे कितना है,
जे का गुणांक कितना है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। के का गुणांक कितना है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का वर्ग। बस इनको सॉल्व कर दीजिए तो अंडर रूट 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और -1 का वर्ग +1, यहाँ पे 9 4 13 और 1 14, अंडर रूट कितना हो जाएगा 14। इसलिए अब हम कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। अब थीटा निकालने के लिए कॉस थीटा बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर। ये देखिए फॉर्मूला। चलिए ए डॉट बी कितना है हम लोग निकाल चुके हैं, ए डॉट बी -1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। ए का परिमाण कितना है, ए का परिमाण करणी 6 यानी कि अंडर रूट 6 और अंडर रूट 14 दोनों को लिख लिया। बी का परिमाण अंडर रूट 14 है ना, तो -1 14 6 84 करणी करणी में गुणा हो गया तो 84 आ गया। तो ये किसके बराबर है, आंसर है कॉस थीटा के बराबर है। कॉस थीटा कितना आया है -1 अपॉन अंडर रूट 84। तो थीटा किस तरीके से, कॉस इस तरफ आएगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स, जब इस तरफ आएगा तो -1 की घात आ जाती है, हमेशा याद रखिए, और 1/√84। तो इस तरीके से हम दोनों के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन भी साथ में लिखना है ताकि आप इसको कंपेयर कर पाएँ कि किस तरीके के क्वेश्चन हमने सीखे हुए हैं। तो क्वेश्चन ज़रूर आप लिखिए, उसके बाद ही आंसर लिखिए। उसके बाद ये है आगे का, और फिर यहाँ पे और इसके बाद ये, तो ये भी आप कर लीजिए। यहाँ पे हम डॉट और बीच का कोण सीख चुके हैं, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। एक एक करके सभी करते जाइए और बहुत ही सिंपल है, आप इनको करेंगे तो ज़रूर आप पे बनने लगेगा। थैंक यू।